हेलो स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे एंड आई होप आप लोग सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं। आज लेकर के आए हैं आपके लिए एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। इंडियन नेवी ने ट्रेड्समैन स्किल्ड पर पदों के लिए भर्ती की घोषणा की है और बंपर वैकेंसीज आई हैं। 1531 कुल पद हैं जिसके लिए ये विज्ञप्ति इंडियन नेवी ने जारी की थी। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्वर्णिम अवसर है नेवी में अपना करियर बनाने का। तो आइए आज इस पोस्ट में, आज इस सेशन में हम लोग समझते हैं इस विज्ञप्ति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये विज्ञप्ति जो फॉर्मर नेवल अप्रेंटिस हैं उनके लिए जारी की गई है। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन है और आप ऑनलाइन आवेदन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर जाकर के कर सकते हैं। इंडियन नेवी की वेबसाइट पर आपको लिंक उपलब्ध है। मैं आगे पोस्ट में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको अप्लाई करना है। आइए सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। ये रहा आपके सामने वैकेंसीज की डिटेल, पर्टिकुलर किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज और कितने रिजर्वेशन हैं, ये सारी डिटेल आपको इस टेबल में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रोप्लेटर, इंजिन फिटर और अन्य बहुत सारी टेक्निकल स्किल्ड पोस्ट के लिए ये विज्ञप्ति जो है वो जारी की गई है। और इस विज्ञप्ति को आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज का जो 19 से 25 फरवरी वाला संस्करण है उसमें देख सकते हैं, या फिर आप इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाएंगे तो वेज टू ज्वाइन में आपको मिल रही है ये वैकेंसी की पूरी इंपॉर्टेंट जानकारी, प्लस ये नोटिफिकेशन भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं इस विज्ञप्ति से संबंधित एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो एज लिमिट यहां पर निर्धारित की गई है 18 से 25 वर्ष, और एज लिमिट निर्धारित करने के लिए डेट है जिस दिन ये ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज होगी, और ऑनलाइन एप्लीकेशन क्लोज हो रही है 20 मार्च को। तो स्टूडेंट्स, 20 मार्च 2022 आपकी डेट है जिस डेट पर आपकी एज 18 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और कुछ रिलैक्सेशंस भी यहां पर एप्लीकेबल हैं एज पर नॉर्म्स, उसके लिए आप डिटेल्ड में ये नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब समझते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैट्रिक यानी कि 10th किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास करना आवश्यक है, और साथ में इंग्लिश की नॉलेज होना भी आवश्यक है। प्लस सेकेंड जो क्वालिफिकेशन आपको चाहिए वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जिस भी ट्रेड के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, या फिर मैकेनिक और इक्विवेलेंट होना चाहिए जिसमें कि आपके पास में 2 साल का रेगुलर सर्विस एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी आर्मी, नेवी या एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच में, राइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि आपको किस तरीके से इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है और सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा। तो ये जो विज्ञप्ति है, ये जो वैकेंसी है, इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो विभिन्न चरणों में है। सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन स्क्रीन की जाएंगी, स्क्रीन करके शॉर्टलिस्ट की जाएंगी। शॉर्टलिस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उनको लिखित परीक्षा रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा, जो कि इस पैटर्न पर आधारित है। रिटन एग्जाम 100 मार्क्स का है टोटल, जिसमें से इंटेलिजेंस और रीजनिंग 10 नंबर, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 10 नंबर, जनरल इंग्लिश 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जिसको आप बोलते हैं 20 नंबर, और सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पार्ट है यहाँ पर अप्रेंटिस स्कूल यानी कि जिस ट्रेड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसका की वेटेज होगा 50 नंबर। तो कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का ये पेपर है। पेपर के लिए अभी कोई डेट निर्धारित नहीं की गई है स्टूडेंट्स, और ये डेट आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर डेट, टाइम और वेन्यू इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और इतना जरूर फिक्स्ड है कि पेपर जो है वो रिटन एग्जाम वो मुंबई में ही होगा, राइट। तो आप इस एग्जाम से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहते हैं तो ज्वाइन इंडियन नेवी पे जाएंगे, वहां पर ज्वाइन नेवी में वेज टू ज्वाइन, वहां पर सिविलियन और सिविलियन में ट्रेड्समैन स्किल्ड ऑप्शन अवेलेबल है जिस पर क्लिक करके आप अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। प्लस आप ये जो विज्ञप्ति देख रहे हैं
इसको वहां से देख करके डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट स्टेप होगा स्टूडेंट्स इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल होकर के फाइनल मेरिट लिस्ट रिलीज हो जाएगी, राइट। नाउ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरनी है, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो शुरू हुई है 21 तारीख से, 21 फरवरी से, और जारी रहेगी 20 मार्च तक रात 23:30 यानी कि 11:30 बजे तक, 11:30 बजे 20 मार्च को ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्लोज कर दी जाएंगी। तो उससे पहले पहले आप लोग अपना जो आवेदन है वो भर दीजिए। अब जानते हैं क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन को भरने के लिए। तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका एक फोटोग्राफ, जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में। फोटोग्राफ आपका 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और इसका साइज 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फिर आपको चाहिए आपके सिग्नेचर स्कैन, प्लेन पेपर पर साइन करना है ब्लैक इंक से और फिर उसको स्कैन करना है, राइट। देन आपको चाहिए अपनी डेट ऑफ बर्थ की कॉपी स्कैन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सपोर्ट में सारी कॉपीज स्कैन, प्लस यदि आप कोई कास्ट रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके लिए जो भी कास्ट सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है वो आपको अपलोड करना होगा, और यदि आप कोई डिसेबिलिटी के लिए क्लेम कर रहे हैं या वहां रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपको देना होगा एंड एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट भी अपलोड होगा, राइट। तो स्टूडेंट्स आई होप मैंने आपको सभी आवश्यक जानकारी इस विज्ञप्ति से संबंधित दे दी है, और भी यदि आपको कुछ जानकारी चाहिए तो ऑफिशियल ये जो इंफॉर्मेशन है जो कि रोजगार समाचार में प्रकाशित की गई थी ये अवेलेबल है ज्वाइन इंडियन नेवी पर, आप वहां से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और तैयारी के लिए डाउनलोड करिए शौर्य भारत ऐप, बनो शौर्यवीर, करो जीत की तैयारी। जय हिंद।